जबलपुर भारतीय रेल मंत्रालय ने किसानों के लिए उत्पादन का सही व अधिक लाभ के मद्देनजर आज पहली किसान रेल की शुरुआत हुई, जो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना हुई, जहां यह ट्रेन महाराष्ट्र से इटारसी होते हुए पश्चिम मध्य रेल जबलपुर से होते हुए मानिकपुर बिहार पहुंचेगी, जहां पश्चिम मध्य रेल के CPRO प्रियंका दीक्षित ने बताया कि मंत्री जी ने आज महाराष्ट्र से किसान रेल को हरी झंडी दिखाते हुए शुरुआत की है, जो कि यह एक स्पेशल पार्सल ट्रेन है जो जल्द खराब होने वाली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंचाती है। इस ट्रेन का सरकार ने बजट में ऐलान किया था। CPRO ने प्रियंका दीक्षित ने कहा कि यह ट्रेन साप्ताहिक है, जो सप्ताह में एक दिन महाराष्ट्र से जाएगी व बिहार से एक दिन सप्ताह में महाराष्ट्र को जाएगी। वहीं अब एक राज्य से दूसरे राज्य किसान रेल द्वारा जल्द खराब होने वाली चीजों की ढुलाई के लिए ट्रेन का आज से संचालन किया गया है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाया जा रहा है। इससे किसानों को भी बहुत मदद मिलेगी, जहां किसानों को कोरोना महामारी के चलते अपनी फसल को बाजार में लाने में दिक्कत हो रही है, उन्हें इस ट्रेन के माध्यम से अपनी फसल को दूसरी जगह बेचने का फायदा मिलेगा। वहीं इस ट्रेन का इस्तेमाल मुख्य रूप से फल सब्जियों की ढुलाई के लिए होगा। ये चीजें जल्द खराब होती हैं। इस ट्रेन में रेफ्रिजरेटर, कंटेनर की मदद से मछली, मांस, दूध जैसी चीजें आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी। पहले किस्त कर ले दीजिएगा। भारतीय रेल की तरफ से ये बहुत ही अच्छी पहल है। आज माननीय मंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ये महाराष्ट्र से बिहार कनेक्ट करेगी जो किसान रेल है। आइडिया इसके पीछे ये है कि जो भी जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे उत्पादन होता है, उसको एक अच्छा मार्केट मिल सके और ये मार्केट बहुत ही जल्दी मिल सके। चीज़ें खराब हों उसके पहले वो अपने मार्केट तक पहुँच जाएँ, तो कंज्यूमर्स को भी फायदा है, प्रोड्यूसर्स को भी फायदा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को परिचालित किया जाएगा। और इसके पहले देखिए, कभी भी चली है तो इस तरह से शरीर को एक सामग्री को लेकर एक स्पेशल चलेगी वन ट्रिप इस तरह से, लेकिन ये पहली बार होगा कि कोई भी ट्रेन जो है वो एक रेगुलर बेसिस पे चलेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वीकली होगी, वीक में एक दिन चलेगी, मतलब दोनों डायरेक्शन से वन वन डेज। ये महाराष्ट्र से आएगी और पश्चिम मध्य रेल होते हुए ये बिहार की तरफ जाएगी। हमारे यहाँ इटारसी, जो कि भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है, वहाँ पर इसका स्टॉपेज रहेगा। उसके बाद फिर जबलपुर, कटनी, सतना और इसके बाद ये मानिकपुर पे जाकर आगे अगले जोन्स की तरफ बढ़ेगी। खुशी की बात ये है कि आज इसकी पहली ट्रिप में ही जबलपुर से भी हमको लोडिंग मिली है। कुछ टन्स की लोडिंग यहाँ से यूपी की तरफ के लिए, डेस्टिनेशन के लिए हमको इसमें मिली है। तो इसका आगे आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने की पूरी उम्मीद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।